नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। प्यारे मित्रों, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को रीड किया, स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला आ गया। तो रियली में ये फैसला आ चुका और कुछ ऐसा फैसला है जो आपके लिए बहुत ही हैरान करने वाली है। तो कौन सी सी खबरें हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो मित्र चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए सबसे पहले आपके अपने चैनल से मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी सी बड़ी अपडेट आई है जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, न्यूज़ दिखाने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर प्रूफ दिखा दें, ताकि स्टूडेंट्स के मन में डाउट ना रहे कि ये न्यूज़ फेक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कॉर्नर में देख सकोगे, लखनऊ का ये पेपर है और इसमें 20 मई दैनिक जागरण में निकला गया था पेपर। और खबर आपको देख सकते हो स्क्रीन पर कि सेमेस्टर परीक्षा आपकी 6 जुलाई से, यानी कि जो आपकी सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो 6 जुलाई को स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, जो आश्चर्यचकित करने वाला खबर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि संक्रमित होने पर AKTU कराएगा इलाज। यानी कि परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि यदि परीक्षा के दौरान कोई भी छात्र, कर्मचारी एवं अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो उसके पूरे इलाज का खर्च विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण एवं कर्मचारी कल्याण निधि से उठाया जाएगा। यदि इस दौरान किसी कर्मचारी एवं अधिकारी कोरोना संक्रमण से मृत हो गई है, तो विश्वविद्यालय कर्मचारी कल्याण निधि से 5 लाख रुपए संबंधित परिवार को आर्थिक मदद के रूप में दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर विनीत, वित्त अधिकारी JP सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार, ये मतलब कि तमाम निरीक्षक जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने यह राय दी है कि मतलब कि किसी भी स्टूडेंट्स को संक्रमित हो जाते हैं या कोरोना से, लेकिन उन्होंने पक्का कर दिया कि आपकी परीक्षाएं आपकी 6 जुलाई होंगी, ये मतलब इन्होंने कंफर्म कर दिए हैं। और उसके बाद आपका अगर कोई स्टूडेंट संक्रमित होता है तो उनको इलाज कराएंगे। अगर मान लीजिए कोई भगवान न करे किसी को कुछ ना हो, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपए संबंधित परिवार को आर्थिक मदद के रूप में दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसी खबर को या ऐसी सोच को अच्छा नहीं मानता। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कि यह फैसला सही है कि गलत है, ये आपके लिए अच्छा है कि खराब है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। दूसरी खबर जान लेते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU में 6 जुलाई से प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। यानी कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने सभी कॉलेजों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इसमें ए कैटेगरी में शामिल करीब 50 कॉलेजों को सेल्फ सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा VRC कैटेगरी में शामिल सेंटरों में दूसरे कॉलेजों की विद्यार्थी परीक्षा देने की व्यवस्था बनाई गई है, और B और C कैटेगरी के संस्थानों के लिए सेल्फ सेंटर की व्यवस्था नहीं होगी। इन संस्थानों में अतिरिक्त पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों की पिछली परीक्षाओं में उनके रिजल्ट और गतिविधियों को देखते हुए कॉलेजों की कैटेगरी निर्धारित की है। AKTU इस बार करीब 150 केंद्रों पर परीक्षा कराएगा, इसमें से 50 कॉलेजों में सेल्फ सेंटर होंगे। मंगलवार को AKTU कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित निर्णय भी लिया गया। यदि लॉकडाउन की तय समय की स्थिति के आधार पर 30 जून के बाद भी संस्थान खुलते हैं, तो 6 जुलाई से प्रस्तावित आपकी शेड्यूल के अनुरूप परीक्षाएं कराई जाएंगी। और यदि लॉकडाउन 30 जून के बाद नहीं खुलता है, तो आगे निर्णय भी लिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि लॉकडाउन में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है, यानी कि जो आप लोग की लॉकडाउन है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो आपकी परीक्षाएं, सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है AKTU की तरफ से, लेकिन कुछ कंडीशन दिया गया है कि अगर जून, देखिए आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देखा करिए, तब बाद में आप लोग कमेंट करिए। मैं आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं देता, बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ देता हूं मैं। तो कंडीशन ये है कि अगर लॉकडाउन 30 जून के बाद नहीं ओपन होता या खुलता नहीं है, तो आपके आगे निर्णय लिया जाएगा, यानी कि आगे डेट बढ़ाई जा सकती है या बिना एग्जाम के प्रमोशन दे सकते हैं। लेकिन अगर 30 जून के पहले लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या 30 जून तक समाप्त हो जाएगा, तो आपकी परीक्षाएं 100% 6 जुलाई को यहां पर स्पष्ट कर दी गई है AKTU की तरफ से। और एक खबर जो हैरान करने वाली थी, यानी कि जो स्टूडेंट्स को संक्रमित स्टूडेंट्स की या किसी भी स्टाफ की मृत्यु हो जाती है, तो उनको 5 लाख रुपए संबंधित परिवार को आर्थिक मदद की घोषणाएं भी की हैं। आपकी परीक्षाएं होनी चाहिए, क्या ऐसी जो सोच है उन लोग की सही है गलत है, कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। और जो मित्र चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए सबसे पहले आपको चैनल से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत